मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कपास। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कपास क्या होता है, इसकी जो खेती है वो कैसे की जाती है, ये दिखने में कैसे होता है, इसमें जो जलवायु होती है वो कितनी चाहिए होती है इस पौधे को उगाने के लिए, इसकी कटाई कैसे की जाती है, फ्लावर्स कैसे चुने जाते हैं इसके, इसमें मिट्टी कैसी चाहिए होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कपास। कपास एक नकदी फसल है, इससे रूई तैयार की जाती है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाला कपास सबसे सर्वोत्तम होते हैं, जिनकी लंबाई 5 सेमी से अधिक होती है। इसे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। जो इसकी लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेमी होती है। और इसी से हम जो अच्छा वाला फैब्रिक होता है जिसको कॉटन बोलते हैं, वो सर्वोत्तम प्रकार के कॉटन जो फैब्रिक होते हैं वो इसी तंतु से बनाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। मध्य रेशे वाला कपास जिसकी लंबाई 3.5 सेमी से 5 सेमी तक होती है, मिश्रित कपास कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का कपास छोटे रेशे वाला होता है, जिसके रेशे की लंबाई 3.5 सेमी तक होती है। इतिहास, कपास का इतिहास क्या था, इसमें कहाँ से आरंभ हुआ है इसका, और किन किन देशों को हमने कपास भेजा है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी हमारे कपास की। कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यह आर्यवर्त में त्रिवेदिक काल से ही इसकी खेती की जाती है। भारत में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में सबसे संसार भर में प्रथम माने जाते थे। कपास उनके प्रमुख उत्पादनों में से एक था। जो हड़प्पा निवासी, जो हड़प्पा में निवास करते थे वो लोग सबसे पहली बार उन्होंने कपास की खेती की थी। उनको प्रमुख उत्पादनों में से उनका जो प्रमुख बोने का जरिया था वो कपास था। भारत में 327 ईस्वी के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ। यह भी उल्लेख्य है कि भारत से ही यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले जाया गया। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 150 लाख मेट्रिक टन कपास पैदा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राज़ील, मिस्र, सूडान आदि कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भौगोलिक दिशाएं, वर्तमान समय में कपास की खेती एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में हो रही है। मानव जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कपास की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कपास की खेती के लिए निम्न भौगोलिक आवश्यकताएं आवश्यक होती हैं। तापमान, इसका तापमान है जो वो कितना चाहिए हमें कपास का पौधा उगाने के लिए, कपास की खेती करने के लिए। कपास के पौधे के लिए उच्च तापमान साधारण 20 डिग्री से 30 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह 40 डिग्री तक की गर्मी में भी पैदा किया जा सकता है। पाला अथवा ओले इसकी फसल के लिए घातक है। अगर हम इस कपास के जो पौधा है उसमें अगर पाला ज़्यादा अधिक पड़ता है और ओले पड़ जाते हैं तो वो इस खेती को बर्बाद कर देते हैं, घातक है ये खेती। अतः इस पौधे के विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित ऋतु चाहिए। टोड़े निकलने के समय मतलब 210 दिन पाला रहित ऋतु चाहिए, मतलब ठंड चाहिए हमें 210 दिन इस पौधे को उगाने के लिए। और टोडियाँ खिलने के समय, मतलब कलियाँ खिलने के समय स्वच्छ आकाश, तेल और चमकदार धूप का होना आवश्यक है, मतलब चमकदार धूप होनी चाहिए। जब ये फूल खिलता है तो ये फूल, जब हमारी अच्छी चमकदार धूप होती है तब ये फूल खिल पाता है, जिससे रेशे में पर्याप्त चमक आ सके, जिससे जो रेशा है जो हमें तंतु प्राप्त कर रहे हैं उसमें अच्छे से चमक आ सके, और टोडियाँ पूरी तरह से खिल सके और जो कलियाँ वो पूरी तरह से खिल सके। समुद्रीय पवनों के प्रभाव में उगने वाले कपास का रेशा लंबा और चमकदार होता है। जो समुद्रीय पवन, जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो समुद्र से हवाओं के निकलती है, अगर वहाँ पे कोई खेती की जाती है तो समुद्रीय हवा से हवा निकलती है, समुद्र में को जो हवा आती है वो हमारे कपास के पौधे पे पड़ती है, तो जो उसके कपास के जो रेशे होते हैं वो और चमकदार हो जाते हैं उस हवा।
कपास के पौधे को उगाने के लिए हमको कितनी वर्षा चाहिए होती है, कितनी बारिश होनी चाहिए इसको उगाने के लिए? भारत में कपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ ही बोई जाती है, जबकि सिंचाई पर आश्रित कपास एक दो महीने पूर्व ही बोई जाती है। देश में 49% कपास संचित क्षेत्रों में पैदा की जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य के दक्षिणी भाग में कपास जून और अगस्त के अंत तक बोई जाती है और चुनाई जनवरी से अप्रैल तक की जाती है। जो इसमें जो इसकी जो खेती है वो जो है वो जून से अगस्त तक की जाती है। जो उसकी मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो चुनने होते हैं, मतलब जो उसकी कलियाँ होती हैं वो पौधे से अलग कर की जाती है, तो जनवरी और अप्रैल तक की जाती है। तमिलनाडु में इसको बोना दोनों ही मानसून के अनुसार होता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय के बाहर यह मार्च से जुलाई तक बोई जाती है और अक्टूबर से जनवरी तक इसकी चुनाई होती है। कपास भारत की सामान्यतः खरीफ की फसल है। मिट्टी, इसको बोने के लिए हमें मिट्टी बोनी चाहिए होती है। कपास का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, किंतु आर्द्रतापूर्ण दक्षिणी भारत की चिकनी और काली मिट्टी अधिक लाभप्रद मानी जाती है। मान्यतः भारत में कपास तीन प्रकार की मिट्टियों में पैदा किए जाते हैं। नंबर वन, भारी काली दोमट मिट्टी जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मिलती है। भारत में कपास का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र भरूच, अहमदाबाद तथा खानदेश जिलों में फैला है। नंबर दो, लाल और काली चिकनी मिट्टी जो दक्कन, बार और बरार और मालवा के पठार पर फैला है। नंबर तीन, संतलुज और गंगा की हल्की कचरी मिट्टी के क्षेत्र में दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है, इसलिए इसे रेंगू मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस पौधे को उगाने के लिए हमें ये दोमट मिट्टी जो हमारी होती है वो उपयुक्त होती है। इस पौधे को उगाने के लिए हमें इस मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास ये काली मिट्टी दोमट मिट्टी होती है तो ये खेती हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं उस खेत में। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम रहती है, क्योंकि जो काली मिट्टी जो रेंगू मिट्टी होती है उसमें रेत होता है और रेत में जल को अपने अवशोषित करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। वो खेती के लिए हमें 12 से 15 दिन तक की बरसात अगर हो जाती है 12 से 15 दिन के बीच में तो बहुत अच्छा रहता है ये। और इस खेती में हमें 12 से 15 दिन के बीच में ही अपना जो खाद होता है हमारा वो खाद डालना होता है, और इसमें नमक का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए क्षारीय भूमि खेत की अच्छी रहती है, क्योंकि जितनी भी सारयुक्त भूमि होती है उसमें उतने ही अच्छे हमारा जो कोमल और चमकदार जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं इसके अंदर हमारे। जो इसमें ये खेती है उसमें हमारा 200 इसमें ये खेती है उसमें हमारा 200 दिन तक गर्म दिन होना आवश्यक होता है। उसमें अगर हमारे 200 दिन से अगर गर्म दिन नहीं है, उसमें हमारी बरसात आ गई है या फिर ओले हो गए हैं या फिर कोहरा पड़ गया है, तो ये खेती ख़राब हो सकती है। जो कपास के जो बीज हैं उसमें जो कपास के जो बीज हैं मतलब उनको ऐसे स्कैटर करके नहीं बोना चाहिए, उसको फेंक दिया ऐसे करके ऐसे नहीं बोना चाहिए उनको। उनको हमें कतार में बोना चाहिए, कतार एक बीज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके उनको कतार में बोना चाहिए। जो कतार में जब बीज बोए जाते हैं तो उसकी जो खेती होती है वो बहुत उच्च होती है, वो उत्तम होती है कभी। और जो इसमें जो एक्स्ट्रा घास होता है हमारी खेती में वो हमें निकाल देना चाहिए। जो इसका जो बीज बोने के बाद जो उसका जो पौधा है वो कब अंकुरित होता है, जो उसका जो पौधा है वो हमारा 35 दिन में अंकुरित हो जाता है। पौधे की जो लंबाई होती है वो 5 से 7 इंच लंबा होता है हमारा जो पौधा होता है, तथा इसकी गुड़ाई की जाती है, तथा इसकी जो मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा घास वगैरह या कुछ और चीज़ हो गया आपको वो हटाया जाता है। अगर इसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए हमें दवाई का करना भी बहुत आवश्यक।